हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। मायसेल्फ आलोक द्विवेदी। दोस्तों, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को टैप कर लेंगे तो आपको इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी और कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, वो है पॉलिटी से रिलेटेड। मैं आपसे सबसे पहले और एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा पॉलिटी आगे पढ़ने से पहले, कि पॉलिटी क्या है। यदि मैं आपसे कहूँ कि पॉलिटी आज हमें पढ़ना है तो आपके माइंड में क्या क्या आना चाहिए, कौन से टॉपिक्स और कौन से सब्जेक्ट्स आना चाहिए जो कि आपको पढ़ना चाहिए पॉलिटी के अंदर। तो क्या कुछ आ रहा है आपके माइंड में कि क्या पढ़ना है आपको पॉलिटी के अंदर? जिनको कुछ नहीं पता है पॉलिटी के अंदर, आज वो जानेंगे कि पॉलिटी आखिर होती क्या है, पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या होता है। देखिए, यदि आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ पॉलिटी क्या होता है। देखिए, पॉलिटी आपका जो है 6 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षरों से? 6 अक्षरों से, POLITY। तो इसमें क्या करना है, आप कोई एक अक्षर भूल जाइए, ठीक है। एक्चुअली ये ट्रिक है, वो याद ऐसे ही होगा आपको, एक अक्षर आप भूल जाइए, वाई भूल जाइए, वाई साइलेंट है ऐसे मान लीजिए, ठीक है। पॉलिट इसको आप मान लीजिए। तो जैसे इसमें आपके 5 अक्षर हो गए, तो 5 विषयों के बारे में आपको पढ़ना होता है जब आप पॉलिटी की बात करते हैं। वो 5 विषय कौन कौन से हैं? पहला, ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं यहीं पर। पहला जो आपका होगा वो होगा संविधान। क्या? संविधान मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो टॉपिक होता है जो आपको इसमें पढ़ना होता है वो है सामाजिक न्याय, मतलब सोशल जस्टिस। तीसरा जो आपका टॉपिक होता है, जो विषय पढ़ने के लिए, वो होता है शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। चौथा जो होता है आपका, वो होता है राजनीतिक प्रणाली, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके बारे में पढ़ना होता है आपको पॉलिटी के अंदर। और पांचवा जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर मिला दिया जाए तो बनता है पॉलिटी। क्या बनता है? पॉलिटी। तो आई होप आपको क्लियर है कि अगर अब आपसे कोई कहे कि पॉलिटी क्या होती है तो आप जान जाएंगे या फिर आप बता देंगे उसको बहुत इजीली वे में कि पॉलिटी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग जो है आज बहुत ही जो है जनरल क्लास रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देन नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, उनमें क्या क्या दिया हुआ है हर एक पार्ट में। देन उसके बाद डिटेल में उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग इन अ साइक्लिक वे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एक हम लोग जो है जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये याद रखने वाली बात है, आप कभी जो है कन्फ्यूजन में या जल्दीबाजी में ये ना कह दीजिएगा कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उस दिन जो है लिख कर इसको बंद कर कर कॉपी रख दी गई थी। और आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ, तो उसके 1 साल बाद 26 जनवरी में इसको लागू कर दिया गया 1950 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक जो है कानूनी दस्तावेज है, या वो कहें कि विधिक दस्तावेज है, जिसके अंदर कुछ विधियां लिखी गई हैं। जिसके अंदर क्या लिखी गई हैं? विधियां। विधियां मतलब प्रोसेस, कैसे जो है अपनी भारत को चलाना है, ठीक है। ये इसके बारे में कौन बताता है? हमारा संविधान बताता है। तो इसका यदि आपसे पूछा जाए सिंपली कि संविधान क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड से बताइए, तो आप बताएंगे इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच टेल्स हाउ इंडिया विल वर्क, कैसे इंडिया काम करेगा, किन विधियों को जो है आधार रखते हुए भारत अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएगा। तो इसके बारे में जो है कौन बताता है? तो संविधान बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 जो हैं अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कि आपसे जरूर पूछे जाते हैं कभी कभी वनडे एग्जाम्स में कि कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, ठीक है। आपको कन्फ्यूज किया जाएगा 25 भाग से, तो मैं आप क्लियर करूँगा आपको कि 25 भाग लोग कैसे कहते हैं, लेकिन हैं कितने? 22 भाग। एग्जाम पूछेगा तो आप बताएंगे 22 भाग ही हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, एकदम क्लियर कट, इसको याद रख सकते हैं आप। 12 अनुसूचियां हैं, लोग बताएंगे आपसे कि 15 अनुसूचियां हैं। तो बिल्कुल याद रखना है कि आपको जो यहाँ पे लिखा है एकदम इसी को आपको याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है इसके अलावा, ठीक है। देखिए, अब हमारे भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। जो संवैधानिक संशोधन होता है ये क्या होता है? देखिए, जब भी कोई
हमें अमेंडमेंट या कोई नई चीज जोड़नी होती है संविधान में, तो हम उसको संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़ते हैं। जो आपका संवैधानिक संशोधन है, ये आपका अनुच्छेद जो आपका 368 है, कौन सा 368 आर्टिकल, उसमें आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही गई है। ठीक है, तो हमारे संविधान में अभी तक कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुके हैं, कितनी बार अमेंड किया गया हमारे संविधान को, तो 104 बार किया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 104 बार किया गया, तो जो 104वें नंबर का जो संवैधानिक संशोधन था, यह किस विषय से संबंधित था, तो आप बताएंगे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण से संबंधित ये संवैधानिक संशोधन था, जिसमें यह बताया गया था कि इन जातियों को, मतलब जो एससी एसटी हैं, इनके लिए 10 वर्ष का आरक्षण जो है दिया जाए। देखिए, शुरुआत में जो एससी एसटी जो वर्ग है, इनके लिए 10 वर्ष का प्रावधान था कि इनको 10 वर्ष का आरक्षण दिया जाएगा, इनको इक्वल स्टेटस पाने के लिए समान वर्ग के बराबर का। ठीक है, लेकिन फिर जो राजनीतिक पार्टियां, जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने ये देखा कि अभी भी एससी एसटी जो है समान वर्ग के बराबर नहीं आए हैं। एक तो ये पहलू था, और दूसरा पहलू इनका जो है अपना राजनीतिक लाभ था, मतलब कि वोट पाने के लिए भी जो है मतदान के लाभ के चक्कर में भी इन लोगों ने 10 वर्ष से आज तक जो है इस आरक्षण को बढ़ाते हुए कंटिन्यूस चले आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि आज भी जो है कंडीशंस वैसी नहीं है जैसी की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज काफ़ी जो एस सी एस टी वर्ग हैं, उनमें से कुछ लोग काफ़ी जो है संपन्न हो चुके हैं, तो अब हमें इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 104 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित है, जिसमें 10 वर्ष के आरक्षण की बात का प्रावधान है। ये किस अनुच्छेद में पूछा गया है, तो आपसे बताएंगे अनुच्छेद 334 में पूछा गया है। किसमें? अनुच्छेद 334 में। 104 संवैधानिक संशोधन, तो 4 लास्ट में और ये 4 यहाँ पे। ठीक है, तो 334 में जो है एस सी एस टी का रिजर्वेशन दिया हुआ है, जिसमें 10 ईयर का प्रोविजन दिया हुआ है कि 10 साल के लिए इसको रखा गया था पहले। यदि आपसे पूछा जाए कि 103 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था, किस विषय से था, तो बताएंगे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से के आरक्षण के विषय से संबंधित था आपका 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसमें बात की गई थी 10% आरक्षण देने की समान वर्ग को। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका संवैधानिक संशोधन है 102 नंबर का, इसमें यदि पूछा जाए आपसे कि किस विषय पर जो है बात की गई थी, तो आप बताएंगे कि जो ओबीसी वर्ग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास जिसको आप बोलते हैं, अन्य पिछड़ी जाति, इनके लिए जो है बात की गई थी आयोग के गठन के लिए, जिसको 338B में जो है लिखा गया है, जिसमें बताया गया है, उसमें जो है प्रावधान इसका वर्णित है। तो ओबीसी आयोग की बात की गई है 338B में 102 संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 101 संवैधानिक संशोधन में क्या दिया हुआ है, तो 101 संवैधानिक संशोधन में आपका जीएसटी को लाया गया था, जिसे आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी बोलते हैं। आपसे पूछूं मैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है आपका जो जीएसटी है, ये कब लागू हुआ था भारत में, क्या आप बता सकते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर्च कर लीजिए गूगल में यदि आपको नहीं पता है तो। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 100 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन था, ये किससे रिलेटेड था, किस विषय से संबंधित था, तो जो आपका 100वें नंबर का संवैधानिक संशोधन था, यह भारत और बांग्लादेश के भूमि के आदान प्रदान से संबंधित था। ठीक है, तो आप जो है कुछ यही लास्ट के जो 4-5 संवैधानिक संशोधन हैं, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रिसेंट के हमेशा पूछे जाते हैं, या फिर आपसे कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो काफ़ी मेजर इम्पैक्ट डालते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें अब हम, तो संविधान में भाग कितने हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो संविधान में देखिए 22 भाग हैं, परंतु अगर देखा जाए, अगर गिना जाए, तो भाग इसमें लगभग 25 हैं टोटल पॉइंट में। ठीक है, लेकिन हम इनको 22 भाग ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ये जो भाग हैं, ये अलग से नहीं बनाए गए हैं, ये एक ही भाग के अंदर उनका सेक्शन और जोड़ दिया गया, एक सब सेक्शन जोड़ दिया गया, मतलब सब पार्ट बनाकर इनको जोड़ा गया है, तो इनको अलग से नहीं गिनते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 22 भाग हैं। लेकिन अगर अलग से आप गिनेंगे तो फिर 25 आप बताएंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कितने भाग हैं, तो आप सिर्फ 22 भाग ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब पार्ट हैं। जैसे पार्ट 4, पार्ट आपका जो 4 है, भाग 4 है, इसके अंदर 4 ए जोड़ दिया गया, पार्ट 9 में ए और बी जोड़ दिया गया, पार्ट 9 ए भाग 9 भाग 9 बी। ठीक है, और पार्ट 14 में जो है ए जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनको जोड़ा गया सब पार्ट बनाकर, इसलिए हम बोलते हैं कि 22 भाग हैं, 25 भाग नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए 22 हो गया, तो 23वां ये हो गया, इन दोनों को मिला के 24 हो गया, और एक ये 25 हो गया। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं कि हम लोग 25 हैं। अब देखिए क्या है, इन जो जोड़े गए हैं जो भाग, जो सब पार्ट, इनमें क्या दिया हुआ है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि आज की क्लास जो है आपकी
एक तरीके से जनरल जो नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, एक आउटर लेयर जो मिलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो उसके बारे में है। इसके बाद हम लोग डिटेल में जो है ऐसी क्लासेस को पढ़ाते चलेंगे और आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बता दूंगा मैं आपको, जो भी आपके वन डे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉलिटी होती है वो सभी आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो देखिए जो आपका भाग 4 ए है, ये आपका बात करता है मौलिक कर्तव्य से, मतलब फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज हैं ये दिए हुए हैं पार्ट 4 ए में कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको 42 संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। तो आई होप आपको क्लियर है पार्ट 4 ए किससे संबंधित है। जो आपका भाग 9 है ए है, ये आपका जो आपका शहरी स्थानीय सरकार है, मतलब जो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो, ठीक है, जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम निकाय है जो आपका, उससे संबंधित जो है 9 ए में दिया हुआ है। इसको कब जोड़ा गया, तो 74 जो संवैधानिक संशोधन किया गया 1995 में इसको तब जोड़ा गया था। जो पार्ट 9 बी है आपका, मतलब जो नवा भाग है आपका बी वाला, उसमें जो है सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में वर्णित है। यह आपका 97 जो संवैधानिक संशोधन किया गया था 2011 में, उसमें इसको जोड़ा गया था। देखिए जो आपका ये सहकारी समिति है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन कर दिया गया है। और तो क्या है कि इससे जो सहकारी समितियां हैं या जो सहकारी से संबंधित जितने भी विषय हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको इसमें याद रखना चाहिए। तो 9 भी आपको याद रखना है, इस समय किससे रिलेटेड है, तो सहकारी समितियां से रिलेटेड है। जो आपका पार्ट 14 ए है, जो आपका भाग 14 ए है, ये किससे संबंधित है, तो यह अधिकरण से संबंधित है, ट्राइब्यूनल से संबंधित है, जिसको 42 संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो आई होप आपको क्लियर है चीजें कि कौन से पार्ट में क्या जोड़ा गया था और कैसे 22 भाग नहीं 25 भाग हैं आपके, ठीक है, और आप बताते लेकिन सिर्फ 22 हैं, क्योंकि वही आपका सही है, क्योंकि बाकी आपके सब पार्ट्स हैं। तो आई होप आपको पूरा सेशन क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यह है मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, यह है इंस्टाग्राम यूजर नेम, यहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, यहाँ मैं अक्सर लोगों की क्वेरी सॉल्व करता हूँ उनसे कैरियर से रिलेटेड। तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं alok_dwivedi52, ये मेरा यूज़र नेम है। अपना टेलीग्राम जो है चैनल है या यूं कहें कि ग्रुप है, जिसमें काफ़ी लोग जो है ज्वाइंट है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। सेम लोगो जो चैनल का है वही लोगो जो है टेलीग्राम चैनल का भी है अपने, तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशंस है वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी और कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।